भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल सोनू लव, और मैं आपको बताता रहता हूं सिक्कों के बारे में जानकारी, सही और सटीक जानकारी आपके लिए लेके आता रहता हूं। और इसी कड़ी में आज लेके आए हम जवाहरलाल नेहरू जी के एक कॉइन के बारे में जानकारी, जो कि आपके लिए है बहुत जरूरी, बहुत खास, जो कि उस सिक्के की कीमत 2024 के अंदर अच्छी खासी होगी है भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हम 1 रुपए के जवाहरलाल नेहरू के कॉइन के बारे में, जो बना था सन 1989 यानी 1989 में, जिसकी जो वैल्यू है आज के समय में काफी अच्छी खासी होगी है भाई। किसी दोस्त के पास है तो वो इस वीडियो में जरूर देखिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि उसमें एक चीज ऐसी नोटिस करने वाली है जिससे आपको अपने कॉइन के बारे में, सिक्के के बारे में सही कीमत पता लगेगी कि कौन से वाला कॉइन जिसकी कीमत बड़ी है वो कौन सा है। क्योंकि दोस्तों, ये सिक्का बना था 4 मिनटों में, जो कि हमारी भारत की 4 मिनटें अभी एक्टिव हैं, जो कि है बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। कौन सी मिंट का सिक्का महंगा है और किस कंडीशन में कौन सा सिक्का महंगा हुआ और कितनी उसकी आज के समय में 2024 में कीमत है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लेरिफिकेशन करेंगे विद प्रूफ। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लगाते, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो दोस्त जो भाई हमारे चैनल पे नया है वो भाई चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम देते रहते हैं आपको कॉइन के बारे में सही और सटीक जानकारी, ताकि आप इस फ्रॉडी दुनिया के शिकार ना हो, कोई फ्रॉड ना बने। और इस सिक्के की वीडियो को बनाने का आज का एक खास मकसद भी है दोस्तों, और भाई जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ ना, वो एक सोशल मीडिया नेटवर्क पे देख के उसको रिसर्च करके बनाता हूँ। क्या रिसर्च करके बनाता हूँ भाई, ये कौन से सिक्के पे जो फ्रॉडी लोग है ना, जो सोशल मीडिया पे ये गलत पोस्टें डालते हैं, ये इतने लाख का सिक्का है, इसके हम 10,000 देंगे, इसके हम 10 लाख देंगे, इसके हम 1 लाख देंगे, वो चीजें सारी सोशल में देख दूख के, जैसे ही वो लोग वीडियो डालते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि कोई किसने कौन से सिक्के पे डाली है, उसके तुरंत बाद मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं, ताकि आप उसके जंगल में ना फंसे, उस माया जाल में ना फंसे। इसीलिए कहता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए, क्योंकि इन थोड़ी दुनिया से बचने का एक यही मात्र तरीका है। और जो दोस्त भाई इस नमस्मेटिक फील्ड, जो कॉइन की दुनिया है, जो सिक्कों की दुनिया है, जिन्होंने नए नए कलेक्ट करने शुरू किए सिक्के, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो अभी टाइम नहीं लगाते, वीडियो करते हैं शुरू। तो ये देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको ये कॉइन दिखा देता हूं। ये है भाई कोपर निकल का कॉइन, जो है जवाहरलाल नेहरू जी का, सन 1989 में बना था, जो कि हमारे पास है बॉम्बे मिंट का कॉइन है भाई। और ये मैं दोनों तरफ से दिखा देता हूं, ये 1 रुपया इस साइड लिखा हुआ है, भारत इंडिया 1 रुपी। तो दोस्तों, ये जो सिक्का है, इसकी जो वैल्यू है, ये कोपर निकल का बना है, ये बना था जवाहरलाल नेहरू जी की जो सेंचुरी हुई थी, 100 साल पूरे हुए थे, उसके उपलक्ष में उनको सम्मान देने के लिए ये सिक्का बनाया गया था। और इसकी भाई कॉइन की जो वैल्यू है, इसकी कौन से मिनट की वैल्यू है भाई दोस्तों, 4 मिनटों में बना था, वो चीज मैं आपको अभी हमारी बुक में दिखाता हूँ कि भाई ये कौन से सन में और कौन कौन सी मिनट में, सन में तो मैंने बता दिया 1989 में बना था, और कौन सी मिनट में 4 मिनटों में बना था भाई, मैं कहूंगा एक बार इधर आके दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, ये बना था 4 मिनटों में, ये देखिए ईयर जवाहरलाल नेहरू सेंचुरी 1989, मेटल है इसका कॉपर निकल, इसका वेट है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और सर्किल के अंदर है। ये बना था भाई बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट। दोस्तों, बॉम्बे मिंट का फाइन कंडीशन में 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का, कलकत्ता मिंट का भी सेम है, और जो हैदराबाद मिंट का है थोड़ा सा अप हो जाता है, जो कि 5 से लेकर 100 रुपए तक चला जाता है। जो महंगा सिक्का है ये है भाई इसका, नोएडा मिंट का। अगर किसी दोस्त के पास नोएडा मिंट का कॉइन है ना भाई, फाइन कंडीशन में भी 1 रुपए की कीमत 300 रुपए आज के समय में, 300 से लेके वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, यूएनसी तक इसकी जाती है 2,500 रुपए में। तो दोस्तों, ये रेयर कॉइन है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नोएडा मिंट का रेयर कॉइन है, और जो हैदराबाद मिंट का वो स्केयर कॉइन है, बाकी बॉम्बे और कलकत्ता है वो दोनों कॉमन कॉइन है। तो ये अगर आपके पास नोएडा मिंट का है ना दोस्तों, ये वाला सिक्का,
ये देखिए जो हमारे पास है ये वाला, हमारे पास तो भाई बॉम्बे मिंट का है, लेकिन अगर नोएडा मिंट का है ना आपके पास, तो भाई इसकी काफी अच्छी खासी कीमत हो गई आज तो की। दोस्तों देखा आपने भाई, इस 1 रुपए के जवाहरलाल नेहरू के जो बना था 1989 में, उसकी कीमत बढ़ गई है। लेकिन कौन से की बढ़ गई है? नोएडा मिंट वाले की। भाई मिंट मार्क जरूरी होता है, देखना आपको पहचानना, चारों मिंटों में बना है ये। अगर कोई भाई बॉम्बे मिंट का दे के आपको ऐसे ठग ले, तो ऐसे ठग मत जाना, क्योंकि मैंने पोस्ट में देखा था, सिर्फ एक पोस्ट डाली हुई थी, ये जवाहरलाल नेहरू का सिक्का हम देंगे इसके 15,000 रुपये। तो उसमें उसने भाई अपना नंबर भी डाला हुआ था, व्हाट्सएप नंबर भी, और अपनी वेबसाइट भी लगा रखी थी, ऐप के बारे में भी कुछ ऐसी जानकारी दे रखी थी, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई इस सिक्के पे। तो भाई जो वैल्यू मैंने बताई है इसके अंदर, जो बुक के अंदर भी दिखाई है, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है भाई। इसकी कीमत जो है एस्टिमेटेड 2,500 रुपये नोएडा मिंट वाले की है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये आप खरीदने जाओगे तो 2 से 2,500 का, आप जैसे बातचीत करते हो, डिपेंड करता है आप किस कलेक्टर से ये कलेक्ट करते हो, या एग्जीबिशन से लेते हो, या कहाँ से लेते हो। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी भाई इस सिक्के के बारे में। मेरा बताने का यही फर्ज था भाई, ये नकली पोस्टों या फ्रॉडी पोस्टों से आप बच सके, आपका पैसा बचा सके, जानकार बनिए, मूर्ख नहीं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको हमारी ये आज की जानकारी, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर अगर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करो। आपसे मतलब जो ये सब्सक्राइब करते हो ना, आपके लिए फ्री होता है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा जो अंदर से मतलब एक इच्छाएं होती है वो और ज्यादा उजागर होती है, कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन, अधिक से अधिक जानकारी आपको दे सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।